आज दी लास्ट ट्रॉली मेरे वीडियो आज अभी बज रहा है लगभग 12। पिलाव भी मजा ले रहा दिखे। मोनी कर रहा होगा और ट्रैक्टर से लब काट रहा दिखे। सेकंड ट्रॉली ऑफ द डे। ऑल सेट। ए ट्रैक्टर जा रहा है दूसरे वाले की। अब बने मौसम क्या आप तो मैं करने हैं 25 कर रहा हूँ तो 20 बार हो और 35 कर रहा हूँ तो 40 बार हो। तेज ये मोटर बंद कर। 23 24 38 किलो। चलो ठीक के बीच में होगी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, देखना पड़ेगा डायरी में। थिंकिंग टू मॉडिफाई माय कार। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए मसूर का खेत भी दिखाने के लिए ले चलूंगा, तो चलो अभी मैं आया हूँ मसूर का खेत देखने के लिए। तो चलो आप लोगों को भी दिखा ही देता हूँ और आज भी अपने पास काफ़ी सारे काम हैं। चलो एक बार इस खेत का एक वॉक अराउंड लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपन अपने जो मेन वाला खेत है वहाँ पे चलेंगे। और यहाँ पे मसूर होगी 12-13 एकड़ में, शायद 13-14 एकड़ में होगी और इस खेत में अपन ने पूरे मसूर लगाई है। तो चलो एक बार ये वॉक अराउंड लेके आते हैं। ऑल सेट। मसूर नू चेकआउट करो मेरे वीडियो। यहाँ पे कुछ प्लांट सूखने की समस्या भी आ रही है तो अपन ने कल स्प्रे करवा दिया है, कल डैडी ने स्प्रे करवाया है यहाँ पे फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का। तो ये चेकआउट करो, अपन एक बार वहाँ की मसूर और देख के आते हैं। और मुझे डेली बेसिस पे एक कमेंट आता है कि भाई हमारे यहाँ रवि सीजन और खरीफ सीजन दोनों में हम लोग धान और धानी धान लगाते हैं। तो ये चीज़ सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ हूँ कि आप लोग कैसे धान की खेती कर सकते हो। अपना भाई शायद वो छत्तीसगढ़ से है और वहाँ पे शायद धान ही लगाई जाती है। तो ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी है कि दोनों सीजन में धान लगाई जाती है। हमारे यहाँ पे तो फसल में काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज है। हम लोग खरीफ सीजन में सोयाबीन लगाते हैं, धान लगाते हैं, राहर लगाते हैं और भी काफ़ी सारी फसलें हैं वो लगाते हैं। और रवि सीजन में हम लोग लगाते हैं मसूर लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, चने लगाते हैं, सरसों लगाते हैं। और एक जैत सीजन भी होता है जिसमें हम लोग मूंग वगैरह लगाते हैं, कॉर्न भी लगाते हैं। और खरीफ सीजन में भी कॉर्न लगा सकते हो और जैत सीजन में भी कॉर्न लगा सकते हो। तो हाँ, और हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज में काम करते हैं, काफ़ी सारी फसल ग्रो करते हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप धान कैसे लगा सकते हो, मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती होगी उसी खेत में बार बार धान लगा के, और उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया DAP डालना पड़ता होगा। और वो भाई ये भी पूछ रहा था कि आप कैसे लगाते हो, तो पडलिंग से भी लगाते हैं और डायरेक्ट सीडिंग से भी लगाते हैं। पडलिंग से ज़्यादातर हम लोग ही लगाते हैं, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पे एरिया में डायरेक्ट सीडिंग करते हैं धान की। चलो अब खेत का वॉक अराउंड लेते हैं फिर चलते हैं दूसरे खेत। और ये मसूर चेकआउट करो मेरे वीडियो। और एक और क्रॉप लगाते हैं यहाँ पे, देखो ये त्योरा लगा है, त्योरा भी लगाते हैं और मसूर है और यहाँ पर भी मसूर। और वो DP रिप्लेस हो गई है, अब अपने लिए यहाँ से ट्रॉली उठा के ले जानी है, अपनी ट्रॉली यहाँ ही बदली है और कल इसी पे हुआ है स्प्रे। ये देखो प्लांट सूखने की समस्या आ रही थी इस टाइप से, इसको हमारे यहाँ पे उगरा लगना बोलते हैं कि प्लांट उगर गया, जल टाइप का जाता है, बट अब स्प्रे हो गया है, आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। कल इस दवाई का स्प्रे हुआ है, बायर कंपनी की है, नेटिवो। ऑल सेट। अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे खेत पे और वहाँ पे चल के मैं आपको गेहूँ वगैरह का हाल भी दिखाई देता हूँ। ऑल सेट। तो अब अपन आ गए अपने दूसरे वाले खेत पे, चलो ये भी आप लोगों को दिखाई। गेहूँ चेकआउट करो मेरे वीडियो। ये अपन ने घर पे खाने के लिए लगाया था, शायद 3288 है, मुझे एक्चुअल रिमेम्बर नहीं है। एक्चुअली आई एम थिंकिंग टू मॉडिफाई माई कार, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे किसानों के पास इतना फालतू पैसा तो रहता नहीं है कि मॉडिफाई वगैरह करें, बट मेरी दिली इच्छा है तो अपन इनको फ्यूचर में ज़रूर मॉडिफाई करवाएंगे, बाइक को, कार को, ट्रैक्टर को।
और ये वाला गेहूँ चेकआउट करो, ये लगभग 22 से 25 दिन का गेहूँ होगा। इसमें अपन ने कीटनाशक दवाई डलवा दी है और पहला स्प्रे इस पर हो चुका है। और कंडीशन आप चेकआउट करो, इस पर दूसरा वाला पानी चल रहा है, यूरिया वगैरह डाल रहे हैं अपन और खुला पानी करवा रहे हैं। चलते हैं काम वगैरह स्टार्ट करवाते हैं, लेबर्स वगैरह आ गए होंगे। और गन्ने पे चल रहा है पानी मेरे वीडियो। ऑल सेट, फाइनली वी रीच रबर फार्म और काम चल रहा है जमाई मारोमार। सबसे पहले अपने लिए करवानी है डंपिंग, तो इस ट्रैक्टर को लेके चलते हैं और डंपिंग स्टार्ट करवाते हैं, बिकॉज हमें सामने वाला खेत खाली करना है और जल्दी से जल्दी यहाँ पे सीडिंग करनी है। लगाए तुम जल्दी में। ऑल सेट, डंपिंग करवा रहे हैं स्टार्ट। फर्स्ट ट्रॉली ऑफ द डे। जो का कर दा तो बता दे। हाँ बताओ, जब तो बता पा रहे। अरे कितने किलो की है? 30 किलो की है। बड़ी सी देखो, बड़ी सी कितने की है गज्जू भाई ना, आपको बताओ। हाँ अंदाज कम से कम 35-36 की निकलेगी। 36 की निकले आई, मजा ही आ जाए। नीचे पड़ जाए हमने जे 38 किलो। चलो ठीक है, जाइए एक 25 किलो उठा ले। 38 किलो 700 ग्राम हमारी पीठ पे। जा कितने की है? 23। चलो ठीक है, पता नहीं आ कितने घास उठ लगे हैं। आगे लगा आए आ कम हो गए। वाह, इधर होने जा जी। आओ चलो उठा ले, पेंच की बात है और पीस ला दे। अरे यार यहाँ से पूरे पीठ पे आ रही राम है तुम ही कर ले। कर जब ईमान है तुम्हारे बंदा हूँ। एक राष्ट्रीय हमारी तरफ से, अगर तुमने 25 कर दी तो राष्ट्रीय घुमा है गारंटी से। गारंटी से राष्ट्रीय अगर तुमने 33 कर दी तो 40 बार हो। 33 में सर तो काप रहा है। तो खाली करने पीठ में कुछ नहीं रखने, कर दे। हाँ 40 बार राशि मिल, जल्दी आ जा जल्दी। कमान 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 पानी रिश्तेदार पानी पी रहा है। अंगूठा खा लेते ना, इतना रस पी लो ना राशि बना ला। अब बने मौसम क्या, आप तो 150 कर दे रस। तो मैं करने हैं 25 कर रहा हूँ तो 20 बार हो, और 35 कर रहा हूँ तो 40 बार हो। सीधी करेगा झूलने का जो। हाँ हाँ हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यू कैन डू इट। 11, 12, 13, 14, 15, 40 सही बार हो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये मोटर बंद कर। 23, 24, एक और भाई, एक और 25, हमने दे रहा है
ए रिश्तेदार सिडल फंसवा तो मैं खिला मिला देखो ये का नहीं है पॉलिसेट तो अपन सीडल इसलिए अटैच कर रहे हैं बिकॉज सीडल से अपन जो ये साइड साइड वाली गन्ने की पत्ती है इसको बीच में कर देंगे खींच के ताकि आग जो आग है वो आगे ना बढ़े अपन इसको जलाएंगे तो आग आगे बढ़ सकती है और यहाँ पे आग लग सकती है तो लाखों का नुकसान हो सकता है तो इसलिए अपन इसमें सीडल अटैच करके साइड साइड से जो गन्ने की पत्ती है उसको हटा देंगे और उसके बाद अपन आग लगा देंगे। ऑल सेट तो अपन कुछ इस टाइप से अपनी सीडल में जो गन्ने की पत्ती इसको फंसा फंसा के बीच में कर देंगे। अब ऑन ही कर रहा हूँ सीमेंट डाल दे और ट्रैक्टर से लब काट रहा दिखे ए क्लीन और गन्ने की कंडीशन चेकआउट करो मेरी वीडियो। यहाँ पे पानी हो चुका है और खेत भी हरा होने लगा है। ज्यादा ना कपाओ ज्यादा ऑल सेट यहाँ की डंपिंग सारी की सारी ख़त्म हो गई है। अब बस यहाँ पे अपने लिए आग लगाना है और साइड की बॉर्डर्स भी अपन ने साफ़ करवा दी हैं ताकि जो आग है वो कहीं आगे ना बढ़े। ऑल सेट वी हैव फायर्ड इट अप और अब बस यहाँ पे कल्टीवेशन का काम करना है। ऑल सेट तो अब चलते हैं घर पे, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है फिर आनी निकल रहे हैं। ऑल सेट बैक टू द फार्म और आज दी लास्ट ट्रॉली मेरे वीडियो आज लगभग 6-7 8-8 ट्रॉली डंप की होंगी।